नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं पंडित जयकिशन महाराज, जो खुद एक बहुत सशक्त कथक नृतक हैं, एक बहुत सशक्त कथक गुरु हैं। और जैसा मैंने इस इंटरव्यू के पिछले हिस्से में उनके परिचय में बताया था कि वो कथक के पर्याय पंडित बिरजू महाराज के सुपुत्र भी हैं। पिछले हिस्से में हमने सिर्फ और सिर्फ बातचीत की थी पंडित बिरजू महाराज और उनसे जुड़ी यादों पर। इंटरव्यू के इस हिस्से में हम बात करेंगे पंडित जयकिशन महाराज के अपने यानी उनके नृत्य सफर पर, उनकी संगीत साधना पर। चलिए अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं, जैसा मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था। और अब सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हम लोग पंडित जयकिशन महाराज जी के नृत्य सफर पर। और पहला प्रश्न तो यही, जो बहुत आसान भी है कठिन भी है, कि जहां जाए तो पता चला पीछे कौन है साहब, ये महाराज जी के बेटे हैं, ये इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ मंच पर? बहुत फायदा हुआ क्योंकि महाराज जी का एक तो पुत्र होना, और फिर मुझे बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके साथ खड़े होकर भी नाचने का मुझे अवसर मिला है। और जहां गए और ईश्वर की कृपा रही कि अंग वगैरह में महाराज जी को जिस प्रकार से हम लोगों ने फॉलो किया, तो परिचय अपने में ही परिचय हो जाता है कि जब हम नाचते हैं तो दिख जाता है कि किस घराने से ताल्लुकात करते हैं और किसके पुत्र हैं। तो मुझे तो लगता है कि मुझे तो बहुत, मतलब महाराज जी का पुत्र होना तो मेरे लिए सौभाग्यशाली सौभाग्य है ही है मेरे लिए, तो मैं तो कह सकता हूँ बहुत अच्छी, मतलब मेरा तो सौभाग्य है ही है। बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है। और पंडित जी ये भी बताइए कि पिछले हिस्से में इस इंटरव्यू के हम लोगों ने बहुत सारी बात की पंडित जी की, और आपके जो परिवार में कथक की परंपरा चली आ रही है, जिसका एक बहुत मजबूत पक्ष है भाव पक्ष। उस भाव पक्ष को जब आपने कैरी किया और आपने उसको अपनाया, तो आपके जहन में क्या था? मतलब ये कोई गणित नहीं है जहां 2 × 2 = 4 हो जाएगा, या कोई अंग्रेजी नहीं है जहां पर अगर आपको लिखना है पीपल तो आप स्पेलिंग लिख देंगे PEOPLE। ये नृत्य है, इसमें डूबना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, इसमें आत्मसात होना पड़ता है। ऐसे में जब भाव पक्ष की बात हुई तो आपने क्या किया, कैसे किया, उसको कैसे कैरी किया आपने? महाराज जी इस बात को बहुत जोर देके कहते थे, इस बात को, कि जब अभिनय की बात होती थी, और इस अभिनय का जो मेरे अंदर जो आया वो महाराज जी के साथ जब हम प्रोडक्शन यूनिट कथक केंद्र में जब हम काम करते थे, और फिर महाराज जी जो एक एक करेक्टर को हमें सिखाते थे, चाहे वो कृष्ण का करेक्टर है, चाहे वो शिव का करेक्टर है, चाहे वो रावण का करेक्टर है, चाहे वो कंस का करेक्टर है, चाहे वो आदम शाह का करेक्टर, तो वो बकायदा करके दिखाते थे, और करके दिखा करके कहते थे मुझे ये चाहिए तुमसे। तो वो जो भाव का जो अंदर से उत्पन्न होने की बात है, कि उसको कैसे वो एक्सप्लेन करते थे, वो बहुत ही ढंग से, कि देखो अब एक बहुत छोटा सा रावण का जो मैं रामायण में करता था, तो समझाते थे कि जो ये रावण जो करेक्टर, वो महापंडित आदमी था, महाज्ञानी आदमी था, ये तो हर चीज को बहुत गहराई से समझाना ना, और वो उनका हमेशा चलता रहा। इवन कि जब ठुमरी दादरा सिखाते थे तो वो घूंघट कैसे खींचना है, कैसे पलटना है और कैसे जाना है, उस पर बहुत सूक्ष्म रूप से वो हम लोगों को बारीकी से वो सब समझाते थे, सिखाते थे।
अच्छा पंडित जी, अगर मैं मतलब ये तो एक ऐसा प्रश्न है, और आप तो लिखने में भी बहुत आपकी सिद्ध हैं, आप इस प्रश्न पर आप पूरी किताब भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन जितना आपसे पूछ सकूं, आपके जी लिए कथक क्या है? क्या आपके लिए कथक वही है जो शंभू महाराज जी के लिए था, या लच्छू महाराज जी के लिए था, या पिताजी के लिए था आपके, या आप अपने आप को कथक, जब आपसे कोई कहता है कथक, तो वो परिवार की जो परंपरा है उससे अलग जाकर भी किसी नए दृष्टिकोण से आप कथक को देखते हैं, या उसी तरह से देखते हैं जैसे बरसों बरस से परिवार में देखा जा रहा था? नहीं, ऐसा है भैया कि समय के बदलाव के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सब कुछ बदलता ही रहता है। जो बृंदादिन महाराज जी, ठाकुर प्रसाद जी, दुर्गा प्रसाद जी वगैरह ने किया, उससे हटते हुए शंभू महाराज जी, लक्ष्मी महाराज जी, शंभू, मतलब सिलसिला वही है, बट उसके अंदर में एक नयापन थोड़ा सा आता गया। फिर महाराज जी ने, शंभू महाराज जी, लक्ष्मी महाराज जी अपने पिताजी की तालीम को एकत्र करके और उसकी खूबियों को लेकर के, और जो चौथी चीज उत्पन्न किया उसका, उसमें जो अपनी चीज बनाई, वो चीज एक नया रूप जो आज पूरा विश्व नाच रहा है। आज कथक जो नाच रहा है वो महाराज जी के स्टाइल, एक-एक उंगली का रखाव, अंगूठे का रखाव, कड़ाई का घुमाव, और नृत्य को भी नृत्य रूप देना, नृत्य को नृत्य रूप देना, नृत्य का मतलब होता है भावपूर्ण। हाँ, तो नृत्य को भी नृत्य रूप दे, ये महाराज जी की बहुत बड़ी योगदान था। और अब जब लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं तो मुझे भी कुछ नया करना है। मुझे महाराज, देखिए उस चीज को रखते हुए, उस चीज उसको सिद्धांत को बनाते हुए और उसके अंदर एक नया रूप बना करके और उसको एक नए तरीके से पेशकश करना हुआ है। लेकिन जो जो नींव है वो अपनी जगह कायम रहे। परंपरा जो है, जो घराने की परंपरा है जो है, जहां पर कहते हैं, हमारे यहाँ कहा गया कि यतो हस्ता सतो दृष्टि, यतो दृष्टि सतो मन, यतो मन सतो भाव, यतो भाव सतो रसा। ये पांच एलिमेंट, जिस प्रकार से हमारा शरीर पांच चीजों से बना हुआ है, अग्नि, वायु, आकाश, नीर वगैरह वगैरह, ऐसे ये पांच चीज कि जहां हाथ वहां नजर, जहां नजर वहां मन का पहुंचना, मन का पहुंचना वहां भाव की उत्पत्ति और वहां रस का आना। तो ये हमारे लखनऊ घराने की बड़ी खास बात है कि नृत्य में भी हमारे जो मूवमेंट के साथ जो भाव भंगिमा, चाहे शरीर की भाव हो चाहे मुख भाव हो, उसका जो समन्वय है वो एक साथ होता है। तो ये चीज हमारे यहाँ है बरकरार, और उसी चीज को कायम करते हुए उसी को हम आगे पीढ़ी को बढ़ा रहे हैं। हाँ, उसमें एक नयापन जरूर है, कुछ ना कुछ नया सोच डालते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। इसी प्रश्न का एक अगला हिस्सा, पार्ट टू जिसको हम कहते हैं, अगर पार्ट टू में पूछूं कि जब आप मंच जी पे जाते हैं, और आज नहीं, मतलब जब एक स्वतंत्र कलाकार के तौर पर आपने नृत्य करना शुरू कर दिया, मंच पे जाते थे तो जहन में क्या रहता था कि मुझे पंडित बिरजू महाराज की तरह डांस करना है, या ये रहता था कि नहीं, पंडित बिरजू महाराज अपनी जगह है और जयकिशन महाराज भी आगे जाकर पंडित बने, इसके लिए जरूरी है कि मैं अपनी पहचान बनाऊं, ये कभी जहन में रहा? देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। हाँ, उनसे तुलना तो कभी जिंदगी में नहीं की जा सकती। हमें इतना ही हमारे लिए बहुत है कि अगर हम मंच पे आकर हाथ बांध करके खड़े हो जाए और ये लोग कहते हैं कि हाँ, ये महाराज का बेटा है, बस वही बहुत है हमारे लिए। कि अगर उनकी एक छवि हमारे अंदर से दिख जाती है लोगों को, तो उससे बड़ी उपलब्धि तो और कुछ है ही नहीं मेरे लिए। तो उसी को सोच करके मैं नृत्य करता भी हूँ, नृत्य दिखाता हूँ, भाव करता हूँ, भाव दिखाता हूँ उसी, क्योंकि तो मैंने महाराज जी को हर प्रोग्राम में, मैं उनके साथ में हमेशा संगत के लिए बैठता था। और बैठता था तो मैं, मेरा बैठने का मतलब सिर्फ संगत करना नहीं था, मैं महाराज जी को बहुत गौर से उनके चाल ढाल भाव वगैरह को बहुत बारीकी से देखता रहता था कि महाराज जी कहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और मैं उसको बहुत अपनाने की कोशिश करता रहा। और वो शायद वही चीज, ऐसा है हमारे यहाँ कहा गया ना कि देखा सिखिया परीख्या, ये एक बहुत चीज है। नाच सीख लेने से ही नाच नहीं आता है, नाच को देख करके भी सीखने से जो आपको हासिल होता है
वो एक अलग तालीम है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि देखकर कैसे सीखा जाता है, उस ऑब्जर्वेशन को करना बहुत जरूरी है। तो मैंने महाराज जी को चाहे सीखा कम लेकिन देखा इतना, और देख करके उनके हर हाव भाव को कुछ अपनाने की कोशिश की, अपने अंदर डालने की कोशिश की। तो महाराज जी से मैं तुलना तो कभी जिंदगी में नहीं कर सकता हूँ, उनके मैं चरण की धूल के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन यह है कि जिस समय मैं स्टेज पे खड़ा हो जाऊं, मंच पे खड़ा हो जाऊं और अपना हाथ बांध करके अपनी नजर को उठा करके देखूं, तो लोग कहें कि हाँ ये महाराज का बेटा है, बस ये इससे बड़े और क्या उपलब्धि चाहिए। पंडित जी, मेरा आखिरी प्रश्न जो है वो आपके उस रोल से है जिसकी वजह से आप उस वजह से भी उतना ही जाने जाते हैं जितना एक नृतक के तौर पे जाने जाते हैं, और वो परिचय है आपका गुरु के तौर पर। आपके कई जी शिष्यों का इंटरव्यू किया है मैंने रागगिरी के प्लेटफॉर्म के लिए ही, अच्छा और अच्छा उन शिष्यों का जो आपके प्रति मतलब कहे ना कि एक तो होता है सम्मान, वो तो है ही है, वो तो गुरु है तो सम्मान होगा ही होगा, लेकिन उस सम्मान के साथ साथ जो समर्पण, जो स्नेह, जो संस्कार, ऐसा क्या आप कौन सी घुट्टी पिलाते हैं अपने शिष्यों को कि मतलब वो आपके शिष्य कम आपके दीवाने ज्यादा हो जाते हैं? बहुत मुश्किल सवाल कर रहे हैं। कोई कोई घुट्टी नहीं है। जिस प्रकार से मैंने अपने गुरु महाराज जी से शिक्षा ली है, और महाराज जी ने हर रोज कुछ अपने वचन से, कुछ अपनी बातचीत से जो चीज हम लोगों के अंदर डाली, और जिससे हम पनपे, वही बात मैं अपने शिष्यों से कहता हूं, उनको सुनाता हूं, और उनको उस तरीके से सीखने के लिए उत्साहित करता हूं, उनको सिखाता हूं। और बस मेरा तो ये रहता है कि मेरा हर शिष्य, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर शिष्य एक एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा हर एक शिष्य इस लायक तो होना ही चाहिए कि खड़ा होकर के दो टुकड़े लगा दे तो लोग कहें कि वाह वाकई नृत्य है। तो बहुत प्यार से मैं बहुत सिखाता हूँ, बहुत मोहब्बत से सिखाता हूँ, और जिस प्रकार से मैंने शिक्षा ली उसी प्रकार से मैं शिक्षा उनको देता हूँ, अपने पूर्वजों की बात बताता हूँ, अपने पिता की बात बताता हूँ, और उस सिद्धांत पे चलने के लिए, क्योंकि उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि ये शास्त्रीय नृत्य हमारा जो है, या हमारे घराने की जो एक कला है कथक, वो उसके पीछे कितना लोगों का योगदान रहा है, कितना समर्पण रहा है, और किस तरह से उन्होंने अपने डांस को बढ़ाया है आगे। तो ऐसे आप लोगों को भी बढ़ाना है, यही बात मैं अपने बेटे को भी समझाता हूँ, यही बात मैं अपने शिष्यों को भी सिखाता हूँ। इससे और बड़े मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ इस बात कि मेरे जितने भी शिष्य हैं वो मुझसे भी इतना ही प्रेम करते हैं, इतना ही प्यार से रहते हैं कि मैं सब कुछ देता हूं उनको, सिखाता हूं उनको। दोनों हाथ जोड़ के बस सिर्फ धन्यवाद कहूंगा पंडित जी। अरे आपका बहुत बहुत स्वागत है।